गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, आज के शुभ अवसर पर यानी कि गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दो छोटे छोटे बच्चियों से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारे के सारे चीज़ के बारे में हम लोग जीके नॉलेज लेंगे। हम देखेंगे कि इन बच्चियों को, मैं बता दूँ कि ये बच्चियाँ छोटे छोटे गाँव के सरकारी स्कूल से आई हैं, जो कि काफ़ी नॉलेज रखती हैं। कहीं से भी उत्तर प्रदेश के बारे में आप पूछ सकते हैं, राजस्थान के बारे में पूछ सकते हैं, पंजाब के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको जो है सेकंडों में आंसर देंगे। तो ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद है कि इन बच्चियों से आप सीखें कि जो है कि आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं, आपको भी ये सारी चीज़ें आ सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो। और कुछ बात करते हैं आज इस पुण्यतिथि पर, शुभ अवसर पर। कहते हैं, क्या दूं गुरु दक्षिणा, मन ही मन मैं सोचूं, क्या दूं गुरु दक्षिणा, मन ही मन मैं सोचूं, चुका न पाऊं ऋण मैं तेरा, अगर जीवन भी अपने दे दूं। क्या दूं गुरु दक्षिणा, मन ही मन मैं सोचूं, चुका न पाऊं ऋण मैं तेरा, अगर जीवन भी अपने दे दूं। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो है हम इन बच्चियों से बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, कहते हैं क्या दूं गुरु दक्षिणा, मन ही मन मैं सोचूं, मीन क्या दूं गुरु दक्षिणा, मन ही मन मैं सोचूं, चुका न पाऊं ऋण मैं तेरा, अगर जीवन भी अपने दे दूं। यानी गुरु इतने महान हैं, इतने सारी चीज हमको दे दिए, अगर मैं उनके उपकार मैं चुकाना चाहूं तो अपने जीवन भी अगर मैं दे दूं, समर्पण कर दूं, तब भी उनके जो है इस उपकार का मतलब मैं उपकार नहीं चुका सकता, क्योंकि गुरु एक क्या है, अनमोल है। इसीलिए कहा जाता है, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, इतने बड़े गुरु होते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, कहते हैं कि जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी अपने अद्भुत ज्ञान होता है, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शक्तियों को, ओ गुरु तो सबसे महान होता है। ओके फ्रेंड्स, मैं इसी बीच जो है इन दोनों बच्चियों को बुलाएंगे और हम लोग बात करेंगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों बच्चियां कशिश शर्मा एंड प्रिया शर्मा ये आए स्टेज पे आ जाएं। बहुत बहुत स्वागत है बच्चियों आपका, बैठिए। बच्चों, आपका क्या नाम है? कशिश शर्मा। आपका? प्रिया शर्मा। ओके, तो आज जो है हम इन बच्चियों से उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, ये सारे चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और इन बच्चियों को मोटिवेट भी करना, जिससे कि ये अपने जीवन में कुछ बन के दिखाएं, कुछ और बन जाएं, और आप भी इनसे जो है कुछ सीखें कि अगर हमारे लक्ष्य, हमारे अगर उम्मीदें, मेरे हौसले अगर फौलाद हैं, तो हम जो है अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलो बात करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चेन्नई, सारे चीज़ के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले कुछ स्टेट के बारे में स्पेशल रूप से बात करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। चलो पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम आपका? कशिश शर्मा। स्टैंड अप। आप बताएंगे, मैं हरियाणा के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। अच्छे बताइए, हरियाणा प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था, यानी कि अन्य और किस किस नाम से जाना जाता था हरियाणा? ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मर की उत्तरवेदी, ब्रह्मार्षि प्रदेश। बहुत बढ़िया। अच्छे बताइए, हरियाणा का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। गुड। अच्छे बताइए, हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। बहुत बढ़िया।
अच्छा हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीरा। बहुत बढ़िया, गुड। अगला है, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। गुड। अच्छे बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान है? 21वां। बहुत बढ़िया, सही आंसर। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, मुझे बताइए? फरीदाबाद। अच्छा, मैं थोड़ा सा और जानकारी आपसे लेना चाह रहा हूँ कि हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। गुड। अच्छा, हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? काला मृग। अच्छा, हरियाणा का राजकीय पंछी क्या है? काला तीतर। बहुत बढ़िया, गुड आंसर। अगला आप बताएंगे, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? उत्तर पश्चिमी नहर। आपका आंसर आप बताएंगे, पश्चिमी यमुना नहर। कौन सा है? पश्चिमी यमुना नहर। ओके, नेक्स्ट पूछेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध बड़खर झील जो हरियाणा में है वो किस जिले में है? फरीदाबाद। फरीदाबाद सही आंसर है। अगला आप बताएं कि हरियाणा के कुल कितने, हरियाणा को कुल कितने मंडल में बांटा गया है? 6 डिवीजनों में। गुड, 6 मंडल में। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया, सही आंसर। हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन यानी जंगल पाए जाते हैं? 3.58%। बहुत बढ़िया। अगला, जिला रोहतक में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना। बहुत बढ़िया, सही आंसर। अच्छा, थोड़ा सा और मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? हिसार। हरियाणा की किस नस्ल की भैंसे सारे भारत में प्रसिद्ध हैं? मुर्रा। गुड, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कशिश शर्मा जी, सिट डाउन। और इसी बीच में प्रिया शर्मा से बात करेंगे, इनसे मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूँगा। उत्तर प्रदेश से कुछ जानकारी मैं लेना चाहता हूँ आपसे, आप तैयार हो आंसर देने के लिए? ओके चलो, आप पहले हमको बताइए, उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश पहले और किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। यूनाइटेड प्रोविंस, बहुत बढ़िया, सही आंसर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 243,286 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया, सही आंसर आपका है। अच्छा हमें ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश है वो कितने राज्यों को टच करता है? 8 राज्य को। बहुत बढ़िया, सही आंसर आपका है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कुल कितने मंडल हैं? 18। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 404। बहुत सही। अच्छा हमें ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव है, पानी में जो रहता है, वो जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय, हाँ, गंगा डॉल्फिन। बहुत बढ़िया, राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयले का उत्पादन होता है? मिर्जापुर। सही आंसर आपका है, बहुत बढ़िया। मिर्जापुर में जो है, फ्रेंड बता दो कि जो कोयले का उत्पादन खनन होता है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? मलियाबाद। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम आपसे बात पूछेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? प्रतापगढ़। गुड। अच्छे बताइए, उत्तर प्रदेश में राज वन नीति कब चलाई गई? राज वन नीति कब चलाई गई थी? 1998 में। बहुत बढ़िया, गुड, 1998 में।
उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक गीत क्या है? बिरहा। हाँ बिरहा, बहुत बढ़िया, सही आंसर आपका है। सारे क्वेश्चन देखो बच्चों, सारे क्वेश्चन का आंसर इसने चुटकियों में दे, यानी प्रश्न पूछा तुरंत आंसर आपके सामने। तो आपको भी ऐसे बनना है, आप भी जो है अगर ये ठान लिए हमको बनना है तो आप भी निश्चित रूप से सारे चीज का, सभी जगहों का जानकारी आप रख सकते हैं। अच्छा आगे और बात करते हैं प्रिया आपसे। अच्छा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में कुल पंछी विहार कितने हैं? 13। दो प्राणी उद्योग है जो कि कानपुर लखनऊ में है। सही, बहुत बढ़िया, 13 पंछी विहार है, 2 प्राणी उद्यान है जो कि कानपुर लखनऊ में स्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश को किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को। गुड। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। बहुत बढ़िया, गुड आंसर। अच्छा अगला बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 19,95,81,477। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर। आपको बता दें फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 19,95,81,477। बहुत सही आंसर दिया इस बच्ची ने। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। बहुत बढ़िया, आपको बता दें उत्तर प्रदेश को जो महोबा जिला है वहां पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक मतलब कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला साइबर सिटी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, लखीमपुर है। ओके लखीमपुर है। अगला देखते हैं, अच्छा सबसे छोटा जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? हापुड़। बहुत बढ़िया, गुड गुड आंसर। अच्छा आप बताइए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पंचायती राज्य प्रणाली शुरू हुई थी? 1959 में। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हैं आप? यस सर। कौन सा, कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। बहुत बढ़िया। अच्छा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। अच्छा हाँ गुड, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। गुड। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष? श्री चंद्रमान। राजऋषि पुरुषोत्तम दास। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया प्रिया, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दिया, सारे क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी फ्रेंडों को, बैठ जाइए, आप सभी फ्रेंडों को शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप भी जो है इन बच्चों की तरह जो है मेहनत करेंगे, अगर आपके अंदर लग्न रहेगा तो आप जो अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो अभी से स्टडी में जुट जाइए और अध्ययन में लग जाइए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।